हेलो एवरीवन, पिज़्ज़ा तो आजकल छोटे बच्चे हो या बड़े सभी को बेहद पसंद आते हैं, पर घर पर हमें बनाना है तो ऐसा लगता है कि कैसे बनेगा। पर आसानी से घर पर भी हम बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बना सकते हैं और साथ में टॉपिंग तो अपने पसंद के हम बना ही सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो देख लेते आज हमारा पिज़्ज़ा का वीडियो। यहाँ पर आपके साथ मैंने विदाउट यीस्ट विदाउट ओवन इजी मेथड से पिज़्ज़ा का रोटला कैसे बनाया जाता है उसकी रेसिपी शेयर कर दी है। तो वही मैंने पिज़्ज़ा का बेस लिया है, इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा टॉपिंग लगा दिया है और थोड़ा सा मैं यहाँ पर प्रोसेस चीज़ को कद्दूकस करके अरेंज कर दिया। इसके ऊपर मैंने लाल हरी पीली शिमला मिर्च और साथ में रफली कट किए हुए प्याज और साथ में यहाँ पर आ गया मोजरेला चीज़। चीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हो। और इसके ऊपर आ गया यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ पनीर। तो मैंने एक पिज़्ज़ा के लिए 7 से 8 पीस पनीर के लिए है। पनीर को हम जो तंदूरी सब्जी के लिए बनाते हैं उसी तरह से मैंने इसको मैरिनेट करके थोड़ा रोस्ट करके लिया था। थोड़े सो मैंने यहाँ पर ऑलिव्स ले लिया और थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरिगानो। अब प्री हीटेड ओवन में हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देंगे। मैंने इसे 180 डिग्री पर ओवन को पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। बिना ओवन के पिज़्ज़ा की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और कटोरी में भी पिज़्ज़ा हम कैसे बना सकते हैं उसका भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा ओवन पहले से ही प्री हीट था। तो अब देख लेते हमारा ये पिज़्ज़ा का रोटला और साथ में पिज़्ज़ा एकदम परफेक्ट सिक चुका है। तो देखिए इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम जैसे ओवन में कर रहे हैं तो आप बिना ओवन के भी कर सकते हो, डायरेक्ट कढ़ाई में या फिर तवे के ऊपर। तो मैंने इसे 7 से 8 मिनट नॉर्मल यहाँ पर बेक किया और 3 मिनट के लिए मैंने ऊपर से भी थोड़ा सा प्रीहीट किया हुआ ओवन को गर्म करके इसे ऊपर से भी क्रिस्पी कर दिया है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आपको ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिख रही बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये हमारा पिज़्ज़ा लग रहा है ना एकदम जैसे कि बाहर का हो ना कोई, या फिर पिज़्ज़ा हट का हो ऐसा। तो आप भी जल्दी से बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। और आपका पिज़्ज़ा कैसा बना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।